हेलो फ्रेंड्स, आज अपन चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक एक्स एक्सिस लाइन पे होते हैं और एक वाई एक्सिस लाइन पे होते हैं। तो पहला वाला कोऑर्डिनेट होता है x1, दूसरा वाला कोऑर्डिनेट होता है y1। सेकेंड वाले पॉइंट का x2 एंड y2, ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं। आपने ग्राफ पढ़ा ही होगा, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, तो कोऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ही कहलाते हैं। अब क्वेश्चन में बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ द पॉइंट। डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ द पॉइंट, तो पॉइंट ए हो जाता है अपना 2, 3 एंड पॉइंट बी हो जाता है अपना 4, 1। चलो ए बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। नाउ टेल मी द वैल्यू ऑफ x2, x2 मतलब 4, माइनस x1 इज 2 होल स्क्वायर, y2 इज 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ए बी 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से तो 3 जाता नहीं है, लेकिन 3 में से 1 ज़रूर जाता है, तो ये बचेगा -2। -2 इसलिए क्योंकि 1 छोटा है, 3 बड़ा है, 3 के साथ माइनस की साइन है, बड़े वाले नंबर के साथ जो साइन होती है वो साइन नंबर के साथ आती है। ए बी इज इक्वल्स टू 4 प्लस -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, क्योंकि -2 × -2 इज इक्वल्स टू +4। सो ए बी इज इक्वल्स टू √8 यूनिट। ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2, 3 एंड 4, 5। अब अपन सेम क्वेश्चन का ही थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में ये हो गया x1, y1, x2, y2। इसके अंदर सारे टर्म्स वेरिएबल है, तो वेरिएबल का कैसे फाइंड करेंगे, वैसे ही ए बी फॉर्मूला है अपना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 इज माइनस ए, माइनस x1 इज ए का होल स्क्वायर प्लस y2 इज माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, माइनस ए माइनस 2a का होल स्क्वायर एंड माइनस बी माइनस 2b का होल स्क्वायर। माइनस 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर। आपको दिख रहा है दोनों के अंदर 4 है, क्या अपन 4 कॉमन निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, ब्रैकेट में बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब ये 4 बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, 2 √a² प्लस बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन फिनिश। चलिए अब अपन उसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0, 0 एंड 36, 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन ए एंड बी। अच्छा अब बताइए ए क्या है और बी क्या है। ए इज़ 0, 0 एंड बी इज़ 36 एंड 15, ये दो टाउन के नाम हैं। सो ए इज़ इक्वल्स टू 0, 0 एंड बी इज इक्वल्स टू 36, 15। उसने बोला डिस्टेंस फाइंड करो। सो डिस्टेंस फार्मूला क्या है अपने पास, डिस्टेंस फार्मूला ए बी इज इक्वल्स टू, अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सन ए बी इज इक्वल्स टू √x, ये x1 है, ये y1, x2, y2, सो x2 इज 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ए बी इज इक्वल्स टू
36 में से 0 गया, कोई नंबर में से कुछ जा ही नहीं रहा है, 36 का स्क्वायर। 15 में से 0 गया, 15 का होल स्क्वायर। ए बी इज इक्वल्स टू 36 का स्क्वायर क्या होता है, 1296, और 15 का स्क्वायर होता है 225। सो ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट, दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा आंसर। अच्छा, अब बात आती है कि 1521 किसका स्क्वायर रूट होता है। अगर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड आता है तो बहुत अच्छी बात है स्क्वायर रूट फाइंड करने का। 3 3 9, 4 4 16, सो 3 3 9, 9 किया, 15 में से 9 गए तो कितने बचे, चलिए 10 11 12 13 14 15 6, 21 3 6 1, 9 times 621 माइनस करें, सो ए बी क्या आया अपना आंसर, ए बी इज इक्वल्स टू 39। ये देखिए 39 का आया, 39 यूनिट। सो डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन इज कितना, 39 यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1.5, 2.3 and -2, -11 आर कोलीनियर। कोलीनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में, और नॉन कोलीनियर का मतलब होता है इन द फॉर्म ऑफ ट्राइंगल, मतलब ये उबड़ खाबड़ स्पेस है और ये स्ट्रेट रोड है। इस समझे, कोलीनियर का मीनिंग एंड नॉन कोलीनियर का मीनिंग। तो कोलीनियर है, अपने पास तीन पॉइंट है, पहले पॉइंट को ए दे देते हैं 1.5, बी पॉइंट इज 2.3 एंड सी पॉइंट इज -2, -11। ये हो गया एक्स वन। अब फाइंड करेंगे, स्टार्ट करेंगे ए बी से। पहले ए बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, इसमें अपने को बताना है कि ये तीनों पॉइंट कोलीनियर में है कि नहीं है। अगर अपने तीनों आंसर सेम आते हैं तो कोलीनियर में है, अगर तीनों आंसर सेम नहीं आते हैं तो नॉन कोलीनियर है। एक्स टू वाई टू, चलिए लगाइए फॉर्मूला, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ए बी इज इक्वल्स टू, एक्स टू क्या है, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ए बी इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट में 2 में से 1 गया 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 3 गया -2। -2 इसलिए आया क्योंकि छोटे में से बड़ा नहीं जाता, तो 5 बड़ा है, 5 के साथ माइनस की साइन है। सो ए बी इज इक्वल्स टू, 1 का स्क्वायर 1 होता है एंड 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये आ गया अंडर रूट 5, क्योंकि 1 प्लस 4 5 यूनिट। अब सेकेंड टर्म अपन निकालेंगे क्या, सेम नाउ बी सी, ए बी देन बी सी, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। अब बात आती है बी सी की, तो ये हो जाएगा एक्स वन वाई वन, ये हो जाएगा एक्स टू वाई टू। सो एक्स टू इज -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा -4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 11 12 13 14, -14 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 16 प्लस 196 इज इक्वल्स टू 16 प्लस 196 कितना होगा, ओ सॉरी वाई वन, आई हैव रिटन समथिंग, नहीं ओके करेक्ट 212 एंड 212 किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है, तो इसका आंसर है 212 बी सी। नाउ थर्ड टर्म इज सी है, तो सी की वैल्यूज़ क्या है, -2, -11, और ए की वैल्यूज़ क्या है, 1.5। ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2
वाई टू, चलिए सी ए निकालिए, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। सो सी ए इज इक्वल्स टू, एक्स टू कितना जल्दी बताइए फटाफट, वन माइनस माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई टू कितना, फाइव माइनस माइनस इलेवन का होल स्क्वायर। अच्छा मैं ये माइनस की साइन के साथ ब्रैकेट क्यों लगा रही हूँ, इलेवन में भी टू में भी, क्योंकि देखिए आगे भी माइनस है पीछे के साथ भी माइनस है, तो दो साइन एक साथ नहीं आती, इसलिए अपन माइनस की साइन के साथ ब्रैकेट लगाएंगे। सी ए इज इक्वल्स टू, ये क्या हो गया, वन माइनस माइनस प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस फाइव प्लस इलेवन का होल स्क्वायर। सो सी ए इज इक्वल्स टू थ्री का होल स्क्वायर प्लस सिक्सटीन का होल स्क्वायर। हाँ सी ए क्या आया था अपना, सी ए इज इक्वल्स टू थ्री का स्क्वायर नाइन हो गया और सिक्सटीन का स्क्वायर टू फिफ्टी सिक्स हो गया। सो सी ए इज इक्वल्स टू नाइन प्लस टू फिफ्टी सिक्स टू सिक्सटी फाइव। क्या तीनों आंसर अपने इक्वल आए, नहीं आए, न ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी सी इज़ नॉट इक्वल्स टू सी ए, हैंस ए कॉमा बी कॉमा सी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, डिटरमाइन कर दिया अब अपन, चेक वेदर, नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, चेक वेदर फाइव कॉमा माइनस टू सिक्स कॉमा फोर एंड सेवन कॉमा माइनस टू आर द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलिस ट्राइंगल। ये देखिए अगर ये ट्राइंगल है, अपन इसके कोऑर्डिनेट्स ए बी एंड सी डालते, ए को दे देते फाइव कॉमा माइनस टू सिक्स कॉमा फोर एंड सी को दे देते सेवन कॉमा माइनस टू। ठीक है, सेवन कॉमा, अब उसने ये पूछा है कि ये तीनों पॉइंट्स क्या आइसोसेलिस ट्राइंगल के वर्टाइसेस है। आइसोसेलिस ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है, मतलब इसके दो आंसर्स इक्वल आने चाहिए, और इक्विलेटरल का मतलब क्या होता है, जिसके तीनों साइड्स इक्वल होती है। चलिए अब अपन देखते हैं कि ये आइसोसेलिस ट्राइंगल है कि नहीं है। पहले स्टार्ट करते हैं अपन ए के कोऑर्डिनेट्स, अपन पहले ए बी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मैं ए और बी के ही कोऑर्डिनेट्स लिख रही हूँ अभी सिर्फ, ये एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू। चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला, ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट करिए, एक्स टू की वैल्यू सिक्स माइनस फाइव का होल स्क्वायर प्लस फोर माइनस माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन का स्क्वायर, क्योंकि सिक्स में से फाइव गया वन बचा, एंड फोर माइनस माइनस प्लस फोर प्लस टू सिक्स, सिक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट वन प्लस थर्टी सिक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट थर्टी सेवन यूनिट। पहला आ गया अपना थर्टी सेवन यूनिट ए बी। अब सेकेंड बारी है बी, बी के कोऑर्डिनेट है सिक्स कॉमा फोर और सी का कोऑर्डिनेट है सेवन कॉमा माइनस टू। ये एक्स वन वाई वन हो गया, ये एक्स सॉरी ये एक्स टू वाई टू हो गया। चलिए अब बी सी फाइंड करेंगे, बी सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ठीक है, सो बी सी इज इक्वल्स टू एक्स टू की वैल्यू बताइए जी, सेवन माइनस सिक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस टू माइनस वाई वन की वैल्यू फोर का होल स्क्वायर। सो बी और सी हुआ वन, सेवन में से सिक्स क्या वन बचा, फोर फाइव सिक्स माइनस सिक्स का होल स्क्वायर। ठीक, सो बी सी क्या आया, वन प्लस थर्टी सिक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट थर्टी सेवन यूनिट। देखिए दो इक्वल आ गए, यहीं अब अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं व्हेन ए बी इज इक्वल सॉरी इज इक्वल्स टू बी सी, थर्ड निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, सिंस टू साइड्स
आर इक्वल, हेंस इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, हेंस प्रूव्ड। हाँ, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी ऑफ बाय फॉलोइंग पॉइंट्स गिवन गिव रीज़न फॉर योर आंसर। मतलब वो बोल रहा है कि ये उसने चार पॉइंट्स दिया है, ये चार पॉइंट से कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है ये फाइंड करो। तो पहले कोऑर्डिनेट्स को अपन ए नाम देंगे, इसको बी नाम देंगे, इसको सी नाम देंगे और इसको डी नाम देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए कोऑर्डिनेट्स है -1, यहाँ से स्टार्ट करिए, कुछ भी एक तरीके का बना लीजिए, ए बी सी और डी नाम दे दीजिए लाइन से, कॉमा, फिर बी 1, 0। तो अपन पहले फाइंड करेंगे ए बी का डिस्टेंस। ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये है x1 y1। हाँ, x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू है 1 माइनस 1, इसीलिए क्योंकि x1 की वैल्यू -1 है, होल स्क्वायर। y2 इज़ 0 माइनस y1 इज़ 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ए बी की वैल्यू फाइंड चल रही है अभी अपनी, ए बी अंडर रूट ये हो गया 1 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, 0 में से 2 गए माइनस टू इसलिए क्योंकि 2 बड़ा है और 2 के आगे माइनस की साइन है। ए बी इज इक्वल्स टू ये हो गया 1 प्लस 1 कितना 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, अभी इसको -2 का स्क्वायर ही लिखो। सो ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4 प्लस 4 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 8 यूनिट। चलिए अब निकालते हैं अपन बी और सी। सो बी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, बी के कोऑर्डिनेट है 1, 0 और सी के कोऑर्डिनेट है -1, 2। सो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। सो बी सी के लिए फॉर्मूला पुट करेंगे अपन, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सो बी ओ सी इज इक्वल्स टू x2 की वैल्यू -1, ठीक है, -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 2 -0 का होल स्क्वायर। सो बी सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, बी सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4 प्लस 4। सो कितना आया, अंडर रूट 4 प्लस 4 कितना हो गया, सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 8 यूनिट। अब फाइंड करेंगे अपन तीसरा, किसको फाइंड करेंगे, सी ए को, सी और सी, अच्छा सी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं अपने, अभी अपन ने देखे सी के कोऑर्डिनेट्स ये हैं -1, 2 और डी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, D इज़ इक्वल्स टू -3, 0। देखिए पहले अपन ए बी फाइंड करें, फिर बी सी फाइंड करें, अब सी डी फाइंड करेंगे, फिर डी ए फाइंड करेंगे। सो पहले स्टार्ट करते हैं अपन सी डी से। तो सी डी के लिए फॉर्मूला लगाइए अपन, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सो सी डी इज इक्वल्स टू x2 कितना, ये x1 y1, x2 y2, x2 इज -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 -2 का होल स्क्वायर। सो सी डी इज इक्वल्स टू अंडर रूट -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। -2 इसलिए 0 में से 2 है ये, हाँ 0 में से 2 गया तो -2 बचा, छोटे में से बड़ा। सी डी इज इक्वल्स टू ये हो गया अपना -2 का होल स्क्वायर
प्लस माइनस टू का होल स्क्वायर, दोनों हो गए अंडर रूट फोर प्लस फोर इज इक्वल्स टू अंडर रूट एट यूनिट। ठीक, अब बारी आती है ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया, अब डी ए। चलिए डी, डी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, माइनस थ्री कॉमा ज़ीरो, और ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, माइनस वन कॉमा माइनस टू। ये एक्स वन वाई वन, ये एक्स टू और ये वाई टू। ठीक है, अभी फिर डी ए के लिए लगाइए फॉर्मूला, अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। डी ए इज इक्वल्स टू एक्स टू कितना है, माइनस वन माइनस माइनस थ्री का होल स्क्वायर। देखिए डबल ब्रैकेट, ये ब्रैकेट मत, थ्री पे स्क्वायर मत लगा देना, ये पूरा होल ब्रैकेट बन करके स्क्वायर लगेगा। वाई टू इज माइनस टू माइनस ज़ीरो का होल स्क्वायर, सो डी ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस वन माइनस माइनस प्लस थ्री का होल स्क्वायर प्लस माइनस टू का होल स्क्वायर, सो डी ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट टू का स्क्वायर प्लस माइनस टू का स्क्वायर, सो डी ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट फोर प्लस टू, माइनस टू का स्क्वायर फोर ही होता है, इज इक्वल्स टू अंडर रूट एट यूनिट। चारों इक्वल है, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए, हैंस चारों साइड किसकी इक्वल होती है, स्क्वायर की। ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। इसके पॉइंट टू और पॉइंट थ्री भी स्टूडेंट्स वैसे ही क्वेश्चन है, सेम ऐसे ही बिल्कुल आप सॉल्व करिएगा इसको। हो सकता है वो कोई में पैरेलल दो साइड इक्वल आए और दो साइड इक्वल ना आए, तो वो पैरेललोग्राम हो सकता है या स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है। अब आप ये दोनों फाइंड करिए। अब ओपन करेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन्थ। चलिए देखिए स्टूडेंट, सेवन्थ क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज़ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू कॉमा माइनस फाइव एंड माइनस टू कॉमा नाइन। अब वो बोल रहा है कि एक लाइन है, उस पर दो पॉइंट है, एक ए है एक बी है, टू कॉमा माइनस फाइव ए का हो गया और टू माइनस टू कॉमा नाइन बी का हो गया। अब दूसरे बोला एक एक्स एक्सिस पे ऐसा पॉइंट फाइंड करो जो ये दोनों पॉइंट के इक्वली डिस्टेंस पे हो, मतलब यहाँ से यहाँ तक कर की दूरी और यहाँ से यहाँ तक कर की दूरी क्या हो, इक्वल हो। तो अपन इसको सी ले लेते हैं, ठीक है, इसको अपन क्या ले लेते हैं, सी ले लेते हैं। तो अच्छा अब ये कौन से एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे, मतलब वाई एक्सिस पे तो कुछ है ही नहीं। जब वाई एक्सिस पे कुछ नहीं होगा तो यहाँ क्या आएगा अपनी वैल्यू, एक्स कॉमा ज़ीरो। हमेशा याद रखना, अगर ये क्वेश्चन में यहाँ एक्स एक्सिस की जगह वाई एक्सिस रहता तो अपन यहाँ ज़ीरो लेते और यहाँ स्मॉल वाई लेते। चलिए अब अपन फाइंड करते। अब उसने क्वेश्चन में क्लियर कट बोल दिया है कि ए से लेकर सी तक का पॉइंट और बी से लेकर सी तक का पॉइंट क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब इक्वली डिस्टेंस पे। तो अपना ए सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी सी। चलिए ए के कोऑर्डिनेट्स टू कॉमा माइनस फाइव एंड बी के कोऑर्डिनेट, सी के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा ज़ीरो। यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट लिखिए, माइनस टू कॉमा नाइन एंड एक्स कोऑर्डिनेट, सी का कोऑर्डिनेट दिस वन, ये एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू। चलिए ए सी के लिए लगाते हैं क्योंकि अपने को दोनों को इक्वल लेके चलना है, बी सी के लिए भी और ए सी के लिए भी और बी सी के लिए भी। फॉर्मूला इज एक्स वन का होल स्क्वायर वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। चलिए एक्स टू की वैल्यू कितनी है, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस ज़ीरो माइनस माइनस फाइव का
होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ एक्स टू की वैल्यू एक्स माइनस माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस ज़ीरो माइनस नाइन का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स आपको? चलिए x में से 2 तो माइनस होगा नहीं, एज इट इज़ माइनस माइनस प्लस, तो 0 प्लस 5 का स्क्वायर अंडर रूट माइनस माइनस प्लस माइनस 9 का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ से अंडर रूट हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे अपन, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो जैसे ही ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड होगा तो अपने अंडर रूट्स क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सो एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस फाइव का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस नाइन का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल। यहाँ बचा x माइनस टू का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, x प्लस टू का होल स्क्वायर 81, माइनस माइनस प्लस हो जाता है स्क्वायर। चलिए यहाँ आइडेंटिटी लगाइए a माइनस b के, a स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 25, a प्लस b के होल स्क्वायर की a स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 81, ठीक है 81। देखिए सेम नंबर इक्वल्स टू के तरफ कैंसिल हो जाते हैं, सेम नंबर इक्वल्स टू के वहाँ कैंसिल हो जाते हैं। अब यहाँ क्या बचा, साइन भी सेम होना, इक्वल्स टू में ये याद रखना कि एक माइनस में है एक प्लस में है, सेम है तो कैंसिल नहीं होगा, सेम साइन वाले नंबर ही कैंसिल होंगे। ये एक छोटी सी चीज़ है बच्चों, गलती कर देते हैं सब। माइनस टू टू ज़ा 4x प्लस 25 इज इक्वल्स टू 4x प्लस 81, माइनस 4x उठा के उधर लेके जाओ 81 माइनस 25 ये हो जाएगा माइनस 8x। देखिए माइनस 8x, ठीक है ये हो जाएगा 56, x इज इक्वल्स टू 56 अपॉन माइनस 8, कैंसिल होके क्या आंसर आया माइनस 7, एक्स की वैल्यू हो गई माइनस 7, तो कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए माइनस 7 कॉमा 0 फाइंड हो गया। मतलब ये कोऑर्डिनेट इक्वली डिस्टेंस है ए और बी से। बाकी के 3 रिमेनिंग क्वेश्चन बेटा अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, बहुत एजुकेशनल वीडियो है, आपके दोस्तों को भी फॉरवर्ड करिए। थैंक यू।